सालों पुरानी जमीन को कब्जे से मुक्त कराने के अभियान के तहत हाउसिंग बोर्ड ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बोर्ड ने महल रोड से सटी हल्दी घाटी चौराहे पर 29 साल से अतिक्रमण में फंसी 6 बीघा जमीन कब्जे में ले ली है। देखिए रिपोर्ट। हाउसिंग बोर्ड ने महज 15 दिनों के अंदर ही शहर में अपनी एक और बेशकीमती जमीन से अतिक्रमण हटाकर उसे कब्जे में ले लिया है। हाउसिंग बोर्ड ने महल रोड पर हल्दी घाटी चौराहे के पास 6 बीघा जमीन को कब्जे में ले लिया है। यहां बोर्ड ने 1990 में 24 बीघा जमीन को अधिग्रहित किया था, जिसका मुआवजा भी काश्तकारों को दिया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से इस 6 बीघा जमीन पर कब्जा नहीं ले सकने के कारण यहां अतिक्रमण कर लिया गया। काश्तकारों ने हाउसिंग बोर्ड से मुआवजा लेने के बाद भी इस जमीन को मार्बल व्यवसायियों को किराए पर दे रखा था। बीते दिनों जब बोर्ड आयुक्त पवन अरोड़ा को संपत्तियों की समीक्षा में इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने कार्रवाई कर जमीन को कब्जे में लेने के निर्देश दिए। 150 करोड़ की बाजार कीमत वाली जमीन पर कब्जा लेने के बाद बोर्ड ने तुरंत ही हाउसिंग बोर्ड संपत्ति के बोर्ड लगवाए। वहीं पहली बार ऐसा भी देखने को मिला कि जमीन पर कब्जा लेने के साथ ही बोर्ड ने यहाँ हाथों हाथ बाउंड्री वॉल का निर्माण भी करा दिया। हाउसिंग बोर्ड आयुक्त पवन अरोड़ा भी कार्रवाई के दौरान मौके पर पहुंचे। अरोड़ा ने यहां जमीन का नक्शा देखने के बाद संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कुल 24 बीघा जमीन हमने 1990 से एक्वायर की थी, 15 बीघा से अधिक का हम मुआवजा दे करके और कब्जा ले चुके थे। उसी में से ये 6 बीघा जमीन थी जिसको आज हमने कब्जे से मुक्त कराया है। अवैध रूप से कई सालों से कब्जा चला रहा था और यहाँ पे जो मूल खातेदार था उसने मार्बल के व्यवसायियों को ये भूमि किराए पर दे रखी थी, लेकिन आज ये सारा हटा दिया है यहाँ से और मार्बल वाले खुद भी खाली कर रहे हैं। उन्होंने कमिटमेंट दे दिया है, शपथ पत्र दे दिया कि 3 दिन में खाली कर देंगे, बाकी हाउसिंग बोर्ड दोबारा ज़मीन पर कब्जा नहीं हो, इसलिए यहाँ पे मौके पे ही बाउंड्री वॉल बनाने का काम शुरू हो गया और हम जल्दी इसको प्लानिंग करके इसको डिस्पोज ऑफ भी कर देंगे। ये करीब अगर बाजार मूल्य के हिसाब से देखें तो करीब 150 करोड़ रुपये की जमीन है। जिस जमीन को बोर्ड ने अतिक्रमण से मुक्त कराने के बाद कब्जे में लिया है उसकी लोकेशन मौजूदा समय में बेहद अहम है। महल रोड जयपुर का वो इलाका जहां निवेशकों को हमेशा अच्छी जमीन की तलाश रहती है। ये 6 बीघा जमीन मास्टर प्लान में कमर्शियल प्रयोग के लिए ही दर्ज है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये जमीन बोर्ड के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाली है। हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त पवन अरोड़ा का कहना है कि अपनी जमीनों को अतिक्रमण हटाकर कब्जे में लेने का जो अभियान बोर्ड ने शुरू किया है, बोर्ड इसे जारी रखेगा। बोर्ड आयुक्त अरोड़ा ने कार्रवाई में सहयोग के लिए JDC और DCP का आभार भी जाहिर किया। हमारे सारा स्टाफ एकदम एक्टिव है और सारे अफसर इसमें लगे हुए हैं। जहाँ भी कब्जे हो चुके हैं उन भूमियों को हम चिन्हित कर रहे हैं और फिर जैसे आज की कार्रवाई में हमको JDA ने सहयोग किया है, साथ ही स्थानीय पुलिस ने सहयोग किया है। इसके लिए मैं JDC का और जो हमारे SP हैं यहाँ के राहुल जैन, उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हाउसिंग बोर्ड की दर्जनों ऐसी ही बेशकीमती जमीनें वर्षों से अतिक्रमण के जंजाल में उलझी हुई हैं। पहली बार बोर्ड के मौजूदा आयुक्त पवन अरोड़ा ने ऐसी जमीनों को कब्जे में लेने की इच्छा शक्ति दिखाई है। आने वाले दिनों में ऐसे अभियान का जारी रहना बोर्ड के लिए बड़ा शुभ संकेत है। शिवेंद्र सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।